सोलन शहर में अतिक्रमण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। व्यापारियों ने अपना सामान दुकान छोड़ रास्ते में लगाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण बाजार की गलियां तंग होने की वजह से लोगों को बाजार में चलना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते नगर निगम रोजाना अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसने का कार्य कर रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए दीपराज हंस ने बताया कि 3 दिन के अवकाश के बाद आज अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसा गया। अपर बाजार, गंज बाजार, चौक बाजार, माल रोड, लोअर बाजार से आज अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम शहर से अतिक्रमण हटाने को लेकर रोजाना कार्रवाई कर रही है। 80 से 90% अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कस दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 3 दिन का अवकाश था, 3 दिन के बाद आज हमने फिर मुहिम अपनी जारी रखी है, तो जिसमें कि हमने माल रोड, अपर बाजार, लोअर बाजार, चौक बाजार व लक्कड़ बाजार से अतिक्रमण हटाया है और जिन दुकानदारों का सामान बाहर था वो हम लोगों ने सामान अंदर करवा दिया है। अब भविष्य में उन्हें सामान बाहर ना रखने की चेतावनी दी जी। अभी तो जिस व्यक्ति का सामान दुकानदार का बाहर मिलेगा तो उसका हम चालान भी करेंगे। लगभग 80 से 85% नगर निगम जो है वो अतिक्रमण पर शिकंजा कस चुकी है और भविष्य में भी ये कार्य हमारा जारी रहेगा। बाईपास रेडी मार्केट के पास जो बाहर से लोग आए हैं उनके ऊपर भी जल्दी ही हम शिकंजा कसेंगे और अपनी टीम के साथ वहां भी उन्हें हटाएंगे। लगभग हमने पहले 10-12 चालान किए थे, उसके बाद से कर व्यापारी लोग जो अपना सामान अंदर रखते हैं बाहर नहीं होता है, जो छोट मोट किसी का होता है वो हमें देख के अंदर कर लेते हैं। सोलन शहर में अतिक्रमण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। व्यापारियों ने अपना सामान दुकान छोड़ रास्ते में लगाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण बाजार की गलियां तंग होने की वजह से लोगों को बाजार में चलना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते नगर निगम रोजाना अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसने का कार्य कर रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए दीपराज हंस ने बताया कि 3 दिन के अवकाश के बाद आज अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसा गया। अपर बाजार, गंज बाजार, चौक बाजार, माल रोड, लोअर बाजार से आज अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम शहर से अतिक्रमण हटाने को लेकर रोजाना कार्रवाई कर रही है। 80 से 90% अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कस दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 3 दिन का अवकाश था, 3 दिन के बाद आज हमने फिर मुहिम अपनी जारी रखी है, तो जिसमें कि हमने माल रोड, अपर बाजार, लोअर बाजार, चौक बाजार व लक्कड़ बाजार से अतिक्रमण हटाया है और जिन दुकानदारों का सामान बाहर था वो हम लोगों ने सामान अंदर करवा दिया है। अब भविष्य में उन्हें सामान बाहर ना रखने की चेतावनी दी जी। अभी तो जिस व्यक्ति का सामान दुकानदार का बाहर मिलेगा तो उसका हम चालान भी करेंगे। लगभग 80 से 85% नगर निगम जो है वो अतिक्रमण पर शिकंजा कस चुकी है और भविष्य में भी ये कार्य हमारा जारी रहेगा। बाईपास रेडी मार्केट के पास जो बाहर से लोग आए हैं उनके ऊपर भी जल्दी ही हम शिकंजा कसेंगे और अपनी टीम के साथ वहां भी उन्हें हटाएंगे। लगभग हमने पहले 10-12 चालान किए थे, उसके बाद से कर व्यापारी लोग जो अपना सामान अंदर रखते हैं बाहर नहीं होता है, जो छोट मोट किसी का होता है वो हमें देख के अंदर कर लेते हैं।